यह चैनल किसी भी अवैध सामग्री को बढ़ावा नहीं देता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री का मतलब है शैक्षणिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं ऑफिशियल होम। सो दोस्तों, ये मैं आज बताने वाला हूँ आपको कि लिनोवो K320T में अगर FRP लॉक लग जाए तो आप उसे किस तरीके से बहुत ही इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने बहुत जगह सर्च मार लिया होगा कि यूट्यूब और गूगल पर सर्च मारा होगा जहाँ पर लिनोवो K320T FRP लॉक रिमूव करने का कोई भी टेक्निक अभी ट्रिक नहीं आई है। तो मैं आपको सिंपल मेथड बताऊँगा कि आप उसमें से FRP लॉक को बहुत ही इजी वे में रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उसके लिए आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है एंड्रॉयड टूल किट, ठीक है। ये देखिए एंड्रॉयड फास्टबूट रीसेटिंग टूल जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं आप किस तरीके से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। मुझे मैसेज करके बार बार कहते हैं भाई आपकी फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, मुझे ये फाइल चाहिए वो फाइल चाहिए। तो मैं परेशान हो जाता हूं, मैं कितनी भी मैसेज कर दूं उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या मैं बोलना चाहता हूं, और उनको भी समझ में नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहां पर सिंपल सा, आप देख सकते हैं ये जो फास्टबूट ये जो लिंक है यहाँ पे, मैं ये लिंक नहीं दूंगा आपको। सिंपल आपको जाना होगा ऑफिशियल रूम पर, ठीक है। ऑफिशियल रूम में जाने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पे सर्च मार लीजिए एंड्रॉइड और सॉरी एंड्रॉइड फास्टबूट सर्च मारिए। तो ठीक है दोस्तों, एंड्रॉइड फास्टबूट सर्च मारने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा आ चुका है एंड्रॉइड फास्टबूट रीसेटिंग टूल 1.2 बाय मोहित KKC, ठीक है। आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक है डाउनलोडिंग की, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल को क्या है डाउनलोड कर लेना है, ये कैप्चर को सॉल्व करना है। पहले आप इस कैप्चर को सॉल्व करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना कैप्चर सॉल्व कर लेता हूँ। कैप्चर सॉल्व करके जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर टाइमर चल रहा है, ठीक है। टाइमर के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आएगा विजिट लिंक या फिर गेट लिंक लिखा हुआ आएगा, गेट लिंक आ रहा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है डाउनलोडिंग की वो सर्वर खुल जाएगा, आपको यहाँ वेट करने को कहेगा और यहीं पर आपका डाउनलोडिंग लोगो भी आ जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल है दोस्तों। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि आप इस फाइल को डाउनलोड करने से पहले आप अपने जो आपका जो बिट डिफेंडर हो या फिर एंटीवायरस हो उसको आप डिसेबल कर लीजिएगा। अगर आपने उसको डिसेबल नहीं किया तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी ये सारी की सारी फाइल डिलीट हो सकती है। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल आपको फास्टबूट ये जो एंड्रॉइड फास्टबूट रीसेटिंग टूल को ओपन करना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो फ़ोन है लिनोवो K320T जो लिनोवो है वो आपका जो उसका CPU उसके अंदर जो CPU पड़ा है वो स्पेक्ट्रम CPU है, 1.4 के क्वाड कोर प्रोसेसर पड़ा हुआ है उसमें स्पेक्ट्रम CPU का। तो आपको पता होगा कि स्पेक्ट्रम जो CPU है उसमें हम FRP को रिमूव करने के लिए फास्टबूट मेथड के थ्रू भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली आपको रिकवरी मोड खोलना पड़ेगा, उसके बाद सेलेक्ट करना होगा रिबूट लोड मतलब फास्ट रिबूट लोडर जो सेकंड ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको सिंपली फास्टबूट मोड को ओपन करना पड़ेगा अपने फ़ोन में, या वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके ऑन कर लीजिए। वॉल्यूम डाउन और होम की बटन दबाएंगे तो आपको फास्टबूट मोड खुल जाएगा, और आप अगर रिकवरी मोड खोलना है तो वॉल्यूम अप बटन और पावर की बटन दबाएंगे तो रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप सेलेक्ट करना होगा गेट बूट लोडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर पे ही आता है, रिस्टार्ट के नीचे ही आता है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास फ़ोन तो है नहीं इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ कि आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब मैं बताता हूँ आपको, सिंपल आपको ये करना है कि आपको पहले अपने फ़ोन को फास्टबूट मोड पर ले जाना है। फास्टबूट मोड पर ले जाने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल आपको ये टूल को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आप पहले चेक कर लीजिएगा कि आपकी डिवाइस फास्टबूट मोड से कनेक्ट है या नहीं है। तो आपको एंटर वन करना है, अगर आपकी डिवाइस कनेक्ट होगी यहाँ पे एक कोड आएगा लिखा हुआ, बस उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव SPD FRP, तो आपको यहाँ पे 9 प्रेस करना है और एंटर मार देना है। जैसे आप 9 प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपका जो FRP लॉक है रिमूव हो जाएगा और आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा, और जो आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा होगा वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।